आज 17 मई 2022 मंगलवार। गौरतलब है कि गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय संकट से कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गेहूं के भाव लगभग 6% उछल गए। इसका पूर्व अनुमान एवं आकलन हमने अग्रिम शनिवार के एपिसोड में दिया था कि जब भारत सरकार द्वारा गेहूं के निर्यात में प्रतिबंध लगाया था। एक इंटरव्यू के दौरान हमने इस चीज़ का खुलासा किया था जब पूछा गया था कि गेहूं में अब क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में कल 6% के भाव उछल गए और ये ऐतिहासिक ऊंचाइयों तक गेहूं के भाव देखे गए। मध्य प्रदेश सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापारी महासंघ समिति ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा गेहूं निर्यात पर अचानक प्रतिबंध लगाने से राज्य के व्यापारियों द्वारा भेजे गए करीब 5000 ट्रक कांडला और मुंबई बंदरगाह पर खड़े हैं और उसमें लदी गेहूं की बड़ी खेप का निर्यात नहीं हो पा रहा है। संगठन ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार इस बार गेहूं के निर्यात के लिए व्यापारियों को खूब प्रोत्साहित किया था, इसमें कोई दोराय नहीं है। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश ने भी गेहूं निर्यात के प्रमोशन की बात कही थी। इसके बाद उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊंची कीमतों पर किसानों से जमकर गेहूं खरीदा, लेकिन अब केंद्र के प्रतिबंध के कारण उनके निर्यात सौदे अटक गए हैं, ऐसा व्यापारी संगठनों का कहना है। व्यापारिक संगठन ने कहा है कि गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के खिलाफ राज्य की सभी 270 कृषि उपज मंडियों में कारोबारी मंगलवार और बुधवार को नए माल खरीदेंगे नहीं बेचेंगे। समिति ने मांग की है कि केंद्र सरकार को कारोबारी और किसानों दोनों के हित में प्रतिबंध को वापस लेते हुए गेहूं निर्यात को बहाल कर देना चाहिए। गौरतलब है कि भीषण गर्मी और लू से गेहूं के उत्पादन प्रभावित होने की चिंताओं के बीच भारत ने अपने प्रमुख खाद्यान्न की कीमतों में आई भारी तेजी पर अंकुश लगाने के मकसद से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार का कहना है कि पड़ोसी और कमजोर देशों को खाद्यान्न आवश्यकता पूरा करने के अलावा इस फैसले में गेहूं और आटे की रिटेल प्राइसेस को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, जो पिछले एक साल में औसतन 14-20% तक बढ़ गई है। गौरतलब है कि सरकार ने एहतियाती तौर पर 18% सूखे हुए गेहूं के दानों को भी MSP के जरिए खरीदने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि और साथ साथ 6 राज्यों में 31 मई तक गेहूं की खरीद होगी, जो कि अलग अलग राज्यों के अंदर अब बंद होने वाली थी। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि गेहूं की प्रोक्योरमेंट अधिक हो। गौरतलब है 444 लाख टन गेहूं के सरकारी खरीद का जो आंकड़ा है वो लगभग 50% भी अभी पूरा होना मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि किसानों ने MSP पर से ऊपर के दामों में गेहूं की खरीद की। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन की आपसी लड़ाई के वजह से काला सागर के जरिए यानी ब्लैक सी के जरिए जो गेहूं निर्यात होता था उस पर परेशानियां होने के वजह से अचानक गेहूं के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में काफ़ी बढ़ गए हैं और इसका फ़ायदा भारतीय निर्यातकों ने उठाया और भारत का गेहूं एक्सपोर्ट काफ़ी हद तक बढ़ गया है। गौरतलब है कि ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यदि हम ध्यान से समझें और देखें कि पिछले लगभग 3 महीने में जनवरी से मार्च के बीच फर्टिलाइज़र की कीमतों के अंदर बेहताशा वृद्धि देखी गई, ये लगभग 17% की वृद्धि मानी जा रही है, क्योंकि रूस फर्टिलाइज़र और केमिकल का सबसे प्रमुख निर्यातक देश माना जाता है। युद्ध से पहले रूस प्रति वर्ष 7 मिलियन टन नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का निर्यात करता आ रहा है, जो विश्व उपयोग का लगभग 7% है। एक साल पहले अप्रैल माह में संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठनों द्वारा प्रकाशित फूड प्राइस इंडेक्स में से 30% अधिक था। लगभग साल भर पहले विश्व स्तर पर फर्टिलाइज़रों की कीमत में 125% ज़्यादा हो गई थी। इसमें से इस साल की शुरुआत से लेकर
यानी जनवरी से मार्च तक, और इसमें 17% की वृद्धि भी देखी जा रही है। ये भी एक और ध्यान रखने वाली बात है, अमेरिका और कनाडा के पास लगभग 4.4 करोड़ टन अनाज के भंडार हैं और विश्व भर में 25 करोड़ टन गेहूं, जो जई व अन्य अनाजों से लोगों का पेट भरता है। इसमें 9 करोड़ टन से ज़्यादा की खपत अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में है। तो कुल मिलाकर यही है कि भारत हर संभव प्रयास कर रहा है कि महंगाई बढ़े नहीं, उनके नागरिक यानी भारतीयों को अधिक दाम गेहूं के नहीं देने पड़े। साथ साथ पड़ोसी मुल्कों का पे भी जहां बहुत अत्यधिक आवश्यकता है वहां भी भारत उसकी मदद कर पाए। लेकिन साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि किसानों और व्यापारियों ने, विशेषकर व्यापारी वर्ग जिन्होंने सरकार के वीट यानी गेहूं एक्सपोर्ट की प्रमोशन को देखते हुए किसानों से ऊंचे दामों पर माल खरीदा, अब यदि उनका माल बंदरगाहों पर पड़ा रहेगा और नहीं उसका होगा तो इसका नुकसान भारतीय व्यापारियों को अधिक होगा, निर्यातकों को अधिक होगा। एक ये भी गौरतलब है कि अचानक से कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी प्रतिबंध लगने से व्यापारिक संगठनों को और व्यापारियों को, निर्यातकों को बहुत नुकसान होता है, ऐसा मानना प्रमुख व्यापारिक संगठनों का है। अब आगे क्या होगा इसका विश्लेषण भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों आपको याद होगा कि जैसे हमने आपको कहा था कि मई महीने के लास्ट वीक यानी 15 तारीख के बाद एक बार मुनाफा वसूली करनी चाहिए, जो कि उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। तो गौरतलब यही है कि समय पे मुनाफा वसूली जो भी व्यापारी कर लेता है वो उसमें लाभ उठा लेता है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।